खैराबाद कस्बे का मामला हो और कब्जेदारी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये 100% सच है। अवैध कब्जेदारी की रार में आम और खास सड़क पर आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ आज कस्बे में हुआ। ऐसे में फायर ब्रांड नेता साकेत मिश्र ने पहुंचकर खूब खरी खरी सुनाई और लोगों को सच का आईना दिखाया। कोरोना में भी कोई नहीं आया था और इस राक्षस के खिलाफ भी कोई नहीं आया था। तो पूरा प्रशासन और सरकार का हाथ था इसके ऊपर। लोग कह रहे थे उसको, उस आदमी को अतीक भाई का पूरा तीनों भाई मार डाले गए थे। मैं गया था उस बहन को बचाने के लिए। और अगर हाजी चली संसारी को हम लोगों ने वोट दिया था, आज देखो यही हाजी चली संसारी पेड़ पे लात मार रहा है, ना ही किसी मस्जिद में मट्ठा टेकूंगा। तुम सबका कर्तव्य है कि अभिमन्यु को मरने मत देना इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करने की जरूरत नहीं। लेके भ्रष्टाचारी को खोद के गाड़ दूंगा। छोड़ दिया, इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। सही बात, क्योंकि गुंडा ही हो रही है, कब्जा किया जा रहा है। सबसे बड़ी तो नगर पालिका चेयरमैन, सबसे बड़ा अगर हाथ है तो नगर चेयरमैन का है, हाजी चली संतारी का, जिसको हमने कस्बे का चेयरमैन बनाया, आज गरीबों के ऊपर लात मार रहा है, ये हाजी चली संतारी। चाचा फिर होएगा, फिर बनाएंगे। चाचा जब होएगा फिर मरने मत देना। 21 साल हो गए अपने लिए, मैंने जमीनें बेची, अपनी बीबी के गिरवे रखे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं रखे थे, तुम लोगों के लिए रखे। और अगर जरूरत में रह के मैंने विरोध किया इस राक्षस का कि नहीं किया, यही ध्यान रखना। एक बात आदमी की, मर्द की एक जुबान होती है, और वही रहूंगा, बदलूंगा नहीं। ये मत सोचना ऐसा ना हो ये फिर कहीं चले जाए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारा बन के रहूंगा। तो सुना आपने, साकेत मिश्र ने खैराबाद कस्बे में आज लोगों के बीच क्या कहा। स्टार इंडिया लाइव के लिए पुष्पेंद्र सिंह के साथ शेखर मिश्रा की रिपोर्ट।